मुल्क और धर्म की सीमा तोड़ने वाली सीमा हैदर अब मुश्किलों में पड़ गई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, जो कि सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। सीमा हैदर, आपको पता होगा, पाकिस्तान से आई एक महिला प्यार में पड़ी, सचिन के प्यार में पड़ी थी और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गई थी अपने प्यार के खातिर। मुल्कों की सीमा लांघकर भारत आ गई थी, लेकिन आने के बाद लोगों ने उन्हें इंटरनेशनल भाभी घोषित कर दिया। पूरे भारत ने उन्हें अपनी भाभी बना लिया था। लोग दूर दूर से उनको देखने भी आ रहे थे कि पाकिस्तान की लड़की कैसी है, और प्यार करके आई है तो भाई गदर मूवी से उनको जोड़ा जा रहा था। फिलहाल उनकी अब मुश्किलें बढ़ गई है। सीमा हैदर, जो कि लगातार टीवी इंटरव्यूज दिए जा रही थी, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यूपी एटीएस ने, एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने, अब उनको हिरासत में ले लिया है। शक है कि उनकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन होने के अंदेशा लगाए जा रहे हैं। दरअसल शक का सबसे बड़ा वजह यही बना कि सीमा हैदर के जो चाचा है, चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार है और भाई पाकिस्तानी आर्मी में सेना के पद पर तैनात है। इस वजह से लगातार सवाल उठ भी रहे थे जब वो इंटरव्यूज दे रही थी, तो कई बार तो वो अपने इंटरव्यू छोड़कर भाग गई। ना तो उनका पाकिस्तान से जो आई लड़की है उसको ना सूरह याद है, ना कलमा याद है, वो सुना नहीं पाती है। जिसने ईद में हाल फिलहाल में ये सारी नमाज पढ़े वो नहीं पढ़ पाती। पाकिस्तान से आई लड़की अपने प्यार में इस कदर पड़ी कि आते ही हिंदू धर्म अपना लिया, शादी कर लिया, गले में राधे राधे पहनती है। इस कदर यहाँ के इंडियन सभ्यता में ढल गई कि लोगों को जाहिर तौर पर शक होना शुरू हो गया था। शक का एक और भी कारण है कि सीमा हैदर बताती थी कि वो पांचवी तक ही पढ़ी है, लेकिन वो कई भाषाओं में पारंगत है, फराटेदार इंग्लिश बोलती है। इसी के साथ सीमा हैदर को कंप्यूटर की भी नॉलेज है। इस वजह से उनको लगातार घेरे में लिया जा रहा था कि ये जो है बहू ना बन के ये खुफिया जासूस बन के आई है, और लगातार पुलिस प्रशासन पर और जो जांच एजेंसी है भारत की उस पर सवाल उठ रहे थे। और अब फाइनली जांच एजेंसी ने तलाशी लेते हुए, पहले सचिन के घर की तलाशी ली गई, उसके बाद सीमा हैदर को एटीएस अपने साथ ले गई। इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी लगातार हलचल मचा हुआ है सीमा हैदर को लेकर। वहां के कुछ कट्टरपंथी लोगों का कहना है कि अगर वो हमें मिल गई तो सर धड़ से अलग कर देंगे। इस कदर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लगातार बवाल मचा हुआ है। वहीं सीमा के फोन कॉल के डिटेल्स भी लगातार निकाले जा रहे हैं और फोन कॉल की जांच की जा रही है। सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से पहले दुबई गई, फिर नेपाल गई और नेपाल के रास्ते भारत आकर ग्रेटर नोएडा में आकर सचिन के घर आई और घर में रहना शुरू कर दिया, हिंदू सभ्यता को अपना लिया, खुलेआम जो है वो इंटरव्यूज दे रही थी। और उनका कहना था कि अब वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो अपने प्यार के खातिर यहाँ पे आई है, प्यार उन्हें पबजी के थ्रू हुआ था, जो सचिन और सीमा पबजी खेलते हुए आपस में मिले और उन्हें प्यार हो गया। प्यार इस कदर हुआ कि वो अपना मुल्क छोड़कर, अपने पति को छोड़कर सीधा भारत चली आई। उनके साथ चार बच्चे हैं, उनको लेकर वो आ गई, जिसके बाद वो तमाम सवाल उठ रहे थे क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से आई थी, वो वीजा पासपोर्ट के थ्रू नहीं आई थी, वो गैर कानूनी पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से बाई रोड इंडिया में उन्होंने दाखिल ले लिया। वहीं आपको बता दें कि सचिन के घर पर इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। जब सीमा आई थी तो लगातार वहां पर जश्न चल रहा था,
लोग दूर दूर से मिलने आ रहे थे, चर्चे में बनी हुई थी ये लव स्टोरी और तमाम टीवी चैनल्स जो हैं, नेशनल चैनल सभी, हर कोई टीआरपी बटोरने के लिए ग्रेटर नोएडा में जा रहा था और वहां पर सीमा हैदर के इंटरव्यूज लिए जा रहे थे। लेकिन जब से एटीएस ने सीमा हैदर को हिरासत में लिया है, तब से सचिन के घर में सन्नाटा है पूरी तरह। सचिन के घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं और किसी का भी आना जाना वहां पर किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, दरवाजे बंद कर घर में चले गए हैं। उसी के साथ सीमा की बात करें तो सीमा के जो आईडी प्रूफ है, आईडी कार्ड है, उसको हाई कमीशन में भेज दिया गया है और इनकी जो सारी डिटेल्स निकाली जा रही है, इनके कॉल रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, इनके आईडी के थ्रू आईएसआई से कोई कनेक्शन है कि नहीं है, ये सारी डिटेल्स निकाली जा रही है। क्योंकि इनके जो भाई साहब हैं, भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी में हैं और चाचा जो हैं पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार के पद पर हैं। इस वजह से लगातार सीमा जो है शक के दायरे में आ रही हैं और लोगों के सवालों के घेरे में आ रही हैं। यूपी पुलिस जो है वो एक्टिव होते हुए सीमा हैदर की तलाशी लेना शुरू कर दिया है, पूछताछ शुरू कर दिया है, उनको हिरासत में लेकर उनके आईडी कार्ड को हाई कमीशन में भेजकर लगातार जो है तमाम तरह की जो है वो जांच करने शुरू कर दिए गए हैं। इस मुद्दे पर, इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनहित आवाज़।